अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सिलोस्कर जिंदाबाद, 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 जैन चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरएलडी कार्यकर्ताओं से पुतला छीनती पुलिस, पुतले को छीन कर गाड़ी में रख के ले जाती पुलिस की ये तस्वीरें गोरखपुर की है, जहां पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के साथ योगी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाते ये लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरह से गोरखपुर में इस समय पुतला दहन का दौर चल पड़ा है। सिलोस्कर जिंदाबाद, 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 जैन चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दरअसल कुछ दिन पहले शिवराष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी का पुतला फूंका था, जिसके विरोध में शनिवार को आरएलडी कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का पुतला फूंकने की कोशिश की। योगी की मनमाना और 13 काल कौलिक बालकों का जघन्य हत्या के आरोप में हम लोगों ने यह पुतला फूंका है। उन्होंने कहा था कि नौटंकी नहीं चलेगी, उंगली दिखा करके जो नौनिहाल जो काल कौलित हुए उनका उपहास कराया। लोगों ने जब विरोध का नारा लगाया उन्होंने नौटंकी का विरोध किया। यह प्रशासन अब निश्चित रूप से आपातकाल की ओर जा रहा है। गुंडई की राज है, भ्रष्टाचार से लिप्त यह प्रशासन है और पुलिस प्रशासन अपने चरम उत्कर्ष पर है। हमने फूलपुर और गोरखपुर को लिया है, अब कैराना की बारी है। खैर, पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या विरोध केवल पुतला फूंक कर ही किया जा सकता है। न्यूज़ ब्यूरो।